गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। अत्यंत व्यस्त और असमर्थ लोगों के लिए गुरुदेव के द्वारा एक प्रतीक साधना बताई गई है, आइए इसके बारे में जानते हैं। लेकिन उससे पहले थॉट ऑफ द डे। अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से हमारा आप सभी से निवेदन है कि 16 मई 2022 सोमवार के दिन प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक विश्व शांति हेतु आयोजित आध्यात्मिक प्रयोग में आप सभी सम्मिलित होकर अपने घर पर स्वयं परिवार सहित 24 आहुति गायत्री मंत्र से और 5 आहुतियां महामृत्युंजय मंत्र से देकर सबको सद्बुद्धि एवं सबके उज्जवल भविष्य की कामना से भागीदारी करें। तो 16 मई को आप सभी यज्ञ अवश्य करें। अत्यंत व्यस्त और असमर्थ लोगों के लिए प्रतीक साधना है, ये एक ध्यान धारणा है। प्रातःकाल आँख खुलते ही 5 मिनट इसको करने से मानसिक ध्यान धारणा संपन्न होती है। आपको सिर्फ 5 मिनट का समय चाहिए, उसके बाद आप अपने नित्य कर्म में लग सकते हैं। प्रातःकाल आँख खुलते ही 5 मिनट का मानसिक ध्यान आप करें। अपने स्थान से ध्यान में ही आप हरिद्वार पहुंच जाएं। हरिद्वार में गंगा किनारे जाकर गंगा में डुबकी लगाएं और उसके बाद शांति कुंज के द्वार पर जाएं। शांति कुंज में प्रवेश करें, गायत्री मंदिर और यज्ञशाला की परिक्रमा करें, फिर जाएं आप अखंड दीपक के पास। अखंड दीपक के सामने बैठकर कम से कम 10 बार वहाँ गायत्री मंत्र का जाप करें। वंदनीय माता जी से भक्ति का और पूज्य गुरुदेव से शक्ति का अनुदान मांगें और वापस अपनी जगह पर लौट आएं। इस प्रक्रिया में सिर्फ 5 मिनट का समय लगता है और महापुरुषण की छोटी सी भागीदारी भी इतने से निप जाती है। जिसके पास समय है वे गायत्री का जप और उगते सूर्य का ध्यान भी अपनी सुविधा के अनुसार अधिक समय तक कर सकते हैं। इसी तरह से पूज्य गुरुदेव के द्वारा 24 बार गायत्री मंत्र का जाप उनके साथ करके 24,000 गायत्री मंत्र का फल हम प्राप्त कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव स्वयं कहते हैं, हमारे साथ 24 गायत्री मंत्र बोलने से आप लोगों को गायत्री मंत्र का शुद्ध उच्चारण आ जाएगा और आप लोगों के बोलने के साथ साथ मैं हमारी वाणी का भी समावेश हो जाएगा। हमारी कई वाणियाँ हैं, आपकी तो एक ही वाणी है विखरी। हमारे पास मध्यमा वाणी भी है, परावाणी भी है, पश्यंती वाणी भी है। इन चारों वाणियों को मिलाकर के हम मंत्र बोलते हैं। तो 24 मंत्र हम बोलेंगे, हमारे साथ साथ आप भी बोलना शुरू कर दीजिए। इस तरीके से 24 मंत्र समझिए कि 24,000 मंत्रों के बराबर शक्तिशाली होंगे, क्योंकि इसमें हमारी वाणी का समावेश है। पूज्य गुरुदेव अक्सर प्रातःकालीन साधना के निर्देशों में बोलते थे, गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ 12 बार बोलिए। जब हम गायत्री मंत्र का उच्चारण उनके साथ करते हैं तो प्रत्येक मंत्र के साथ हमें 1,000 मंत्रों के बराबर लाभ मिल जाता है। यदि नित्य 12,000 मंत्रों का पुण्य लाभ लेना हो तो अपनी चेतना को उन ब्रह्म ऋषि के साथ एकाकार करके जप करना चाहिए, जिन्होंने उस मंत्र को सिद्ध कर स्वयं को गायत्रीमय बना लिया। इसी तरीके से गुरुदेव बलि वैश्व महायज्ञ की महत्ता का भी गुणगान करते हैं। गुरुदेव कहते हैं, बेटा गायत्री और यज्ञ को विश्व के घर घर में पहुंचा दो, यही मेरी अंतःकरण की कामना है। जहां भी गायत्री यज्ञ होता है वहां हम और हमारे गुरुदेव आ जाते हैं। गायत्री यज्ञ से सद्विचारों और सद्भावना की शक्ति कई गुनी हो जाती है। बेटे, मैंने बहनों के हाथ में बलि वैश्व यज्ञ के रूप में परिवार निर्माण का रिमोट कंट्रोल थमा दिया है। वे अपने परिवार को जैसा चाहे वैसा बना सकती हैं। बलि वैश्व यज्ञ करने से परिवार में प्यार, सहकार और शालीनता का समावेश होता है। ये नशेबाजी और पारिवारिक कलह से छुटकारा पाने का भी अचूक उपाय है।
गायत्री मंत्र दीक्षा के समय स्वीकारे गए अनुशासन अनुबंध में भी बलि वैश्व यज्ञ करना और कराना एक अनिवार्य अनुबंध है। जो नित्य प्रातः साय बलि वैश्य करते हैं वे लक्ष्मी दीर्घ जीवन यश तथा सुसंतति को प्राप्त करते हैं। आप आई बटन में बलि वैश्व यज्ञ का वीडियो देख सकते हैं और पूरी विधि जान सकते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि यदि विचार बदल जाएंगे तो आपके कार्यों का बदलना सुनिश्चित है। गुरुदेव कहते हैं मित्रों यदि विचार बदल जाएंगे तो कार्यों का बदलना सुनिश्चित है। कार्य बदलने पर भी विचारों का ना बदलना संभव है, पर विचार बदल जाने पर उनसे विपरीत कार्य देर तक नहीं हो सकते। विचार बीज है, कार्य अंकुर है। विचार पिता है और कार्य पुत्र है। इसीलिए जीवन परिवर्तन का कार्य विचार परिवर्तन से ही आरंभ होता है। इसीलिए सबसे पहले अपने विचारों को बदल डालिए, कार्य तो देर सवेर बदल ही जाएंगे। आत्मनिर्माण की दृष्टि से पूज्य गुरुदेव ने 5 कार्यक्रम बताए हैं जिन्हें कि हमें रोज अपनी आदतों में शामिल करना चाहिए। पहला है अपने दैनिक जीवन में उपासना को स्थान देना चाहिए। दूसरा है स्वाध्याय के लिए निश्चित समय निर्धारित करना चाहिए। तीसरा है नित्य युग निर्माण का सत संकल्प याद रखना चाहिए। चौथा है सोते समय नियमित रूप से आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। और पांचवा है समय समय पर कुविचारों से लड़ते रहने की तैयारी करनी चाहिए। तो इस तरह से इन नियमों को अपनाकर आप अपने घर में सुख शांति कम समय में ज़्यादा लाभ पा सकते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।